माय चैनल। मैं पुष्पा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में पुष्पा की रियल दुनिया में। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज कुछ नया काम करने जा रही हूँ मैं, जो कि जब से हम लोग ने ये घर लिया था तो घर के दरवाजे पे चौखट नहीं था। इसके बाद जब हमारा सोफा बना तो वो सोफा वाले भैया से हमने बोल के चौखट तो बनवा लिया, बट कलर फिर भी नहीं हुआ था। हल्दी वगैरह मैं लगा के पीला, उसको थोड़ा ठीक की थी, क्लीन करती हूँ, लेकिन वो बड़ा ना अजीब दिखता है, तो कुछ तो कलर होना चाहिए। तो फिर मैं कल स्कूल से लाडो को लाने के टाइम मैं कलर लेके आई, रेड कलर। किसी ने बोला कि मीन्स रेड कलर लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, तो रेड कलर। वैसे तो पीला मैं सोच रही थी रेड, लेकिन मैं देखती हूँ वो भी एक मन में चल रहा है, पता नहीं रेड कलर मीन्स लगाऊं सही है या गलत है, लेकिन मैं जा रही हूँ लगाने। तो आज के ब्लॉग में आपको ये सब दिखेगा कि मैं पेंट करने जा रही हूँ खुद से। तो आप सब ब्लॉग में बने रहिए, आप सब ब्लॉग बिल्कुल स्किप मत करिएगा, और मेरे टैलेंट को, मेरे वर्क को आप सब पसंद करिए। और अगर हमारा वीडियोस अगर आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को ज़रूर 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 से लाइक किया करिए। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स फटाफट में टाइम नहीं लगाते हुए मैं स्टार्ट कर देती हूँ। देखती हूँ वहाँ करने के बाद थोड़ा, क्योंकि मैंने थोड़ा बड़ा कलर लिया था, क्योंकि ये लाडो हमारी ये वाला दीवार भी आप देख सकते हैं बड़ा गंदा दिखता है। मैंने इसको एक बार जब भी हम लोग शिफ्ट हुए थे उस टाइम पे भी हमने कलर किया था, तब भी मैंने कलर किया था, लेकिन ये वापस से जो है सब कोई कोई टॉय लेके कुछ भी लेके ये निकाल देती है, तो ये बड़ा गंदा दिखता है। तो वो कलर हो जाएगा, तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ये भी करें और ये रहे ठीक ठाक, वो फिर से कुछ ख़राब नहीं करे। तो आप सब ब्लॉग में बने रहिए, मैं फटाफट कलर भी करती हूँ। फ्रेंड्स अभी चौखट का मेरा हो गया, लगभग हो गया है, क्योंकि बस थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग मैं दे रही थी। और अभी मैं आ गई, जो कि हॉल में एक दीवार है, ये किचन से लग के ये दीवार है, पता नहीं क्यों इसमें रेड कलर मारा है, क्योंकि हमने किसी से लिया था ये घर, तो उन्होंने ही ये कलर किया था, अभी हमने अपना कलर किया नहीं है, तो ये उनका ही किया हुआ है। तो ये एक दीवार जो है किचन से लग के उसमें रेड कलर, अभी रेड पे जब भी वो निकलता है जगह जगह से तो बहुत ज़्यादा ही डॉट 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 ऐसा वाइट वाइट दिखता है, तो बहुत गंदा लगता है। और वीडियोस वगैरह में भी बात करने के टाइम ऐसे मीन तो उसमें दिखता है तो अच्छा नहीं लगता, कोई आता जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से कई दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था, तो फाइनली हमने कलर भी लेके आया और कलर भी अच्छे क्वालिटी का मिला, तो सब बड़े सटीक से लग गया है। तो यहाँ पे करके मेरा हो गया, अभी मैं उसको सुखा रही हूँ, क्लीन करना अभी बाकी है, जो कि जैसे कहीं एक बूंद गिर गया या कहीं टच हो गया, कहीं ऐसे होता है दाग वगैरह, तो वो थोड़ा हो गया था। और यहाँ पे जो अभी दीवार में कर रही हूँ किचन से जो लग के है उसमें ना ऐसा पपड़ी जैसा निकल रहा है, तो जो थोड़ा सा ऐसा देखने में आ रहा था तो वो हाथ से मैं बोली निकाल के ही, जितना भी फंस रहा है निकाल के फिर करती हूँ। तो ये तो खैर इतना तो मालूम है कि ये कलर से होने वाला नहीं है या जो भी है, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से ये कराना पड़ेगा जब भी कराएंगे हम घर का काम, तो क्योंकि उसमें जो सीमेंट में नमक ज़्यादा हो जाता है तो ऐसा होता है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं देखते हैं, तो
कि इस वजह से होता है, तो ये तो इतना जल्दी नहीं जाएगा वापस, ये होगा निकलेगा फिर से, वो पता है। लेकिन फिलहाल में मीन्स ऐसे छोटा छोटा चीज़ ट्राई करना और कुछ ऐसे करना मुझे पसंद भी है, अच्छा लगता है, कुछ अलग करना, कुछ नया करना, कुछ सीखना, कुछ ट्राई करना, तो जस्ट उस वजह से मैंने कैसे कर दिया। लेकिन हो गया है तो बड़े अच्छे तरीके से कलर, अभी देखते हैं सूखने के बाद क्या है। और उसमें राज से मेरा बात भी हो रहा है क्योंकि वो अपना होमवर्क कर रहे हैं स्कूल का और मैं ये कर रही हूँ, तो साथ साथ बात भी कर रही हूँ। और ये एक ड्रॉअर है जिसमें कुछ सामान हस्बैंड रखते हैं अपना, थोड़ा बहुत किसी का भी रहता है, तो ये बेडरूम में ऐसे पड़ा है। तो उसका एक साइड का, बाकी तो उसमें सरमाइका लगा है, एक साइड जो है उसका प्लाई निकल गया था, तो फिर वो बड़ा गंदा दिखता था। बट रखे थे हम इतने दिन से, चलो कोई बात नहीं। तो वो भी दिमाग में था कि वो लाएंगे कलर तो इसमें भी करेंगे, तो सोच विचार के। और एक चीज़ सोचने वाली है कि जितना मैंने सोचा था कि ये दीवार करना है, वो चौखट करना है और एक ड्रॉअर का करना है, उतना ही कलर हुआ। मीन्स लास्ट ये करने के बाद डब्बे में कुछ भी नहीं बचा, हमने फेंक दिया डब्बा। तो पता नहीं कैसे, जितना आप जो सोचिए कभी कभी वो एकदम परफेक्ट हो जाता है, जितना आपको ज़रूरत रहता है उतना ही चीज़ें आपके हाथ से भी निकलती हैं, या आप खरीदिए या आप किसी को दीजिए, तो जितना ज़रूरत रहता है तो बस उतना ही हुआ फ्रेंड्स। और हो गया हमारा करके फाइनली, तो फ्रेंड्स हो गया अभी हमारा कलर करके हो गया। साइड का प्लाईवुड जो है वो निकल गया था, प्लाई का है ये, तो वो एक साइड से निकल गया था। तो बहुत दिन से सोच रही थी मैं कि इसको मेन से कुछ तो करना है, कलर करना है, फिर वो दीवार ख़राब हो रहा था तो उसके लिए भी सोच रही थी कि क्या करूँ, क्योंकि वो किसी किसी दीवार में देखिए ना, ऐसा लगता है कि सीमेंट में ज़्यादा नमक हो, उसकी वजह से वो दीवार जो है धीरे 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 कलर निकलने लगता है, पेंट निकलने लगता है, तो वैसा वो दीवार में हो रहा था। तो जब मैंने दोबारा कलर किया तो लाडो ने जैसे पेंट पेंसिल लेके या कोई भी चीज़ खेलने वाली उससे धीरे धीरे वो सब निकाल देती, तो बड़ा गंदा दिखता था वो। एक तो हॉल में है, ऊपर से उस पर कैसा लाइट कलर रहता था तो नहीं मालूम पड़ता था, डार्क कलर रेड है तो उसमें ना एकदम उठ के वाइट दिखता है। और वो चौखट का भी करना था, तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी। तो कल कैसा मैं पैदल चल के आई लाडो को लेके, तो वो बोली वैसे रिक्शे में जाती हूँ तो बीच में उतर के सामान लेने को नहीं जमता है, लेकिन पैदल जा रही हूँ तो जो सामान चाहिए था एक दो, और हर जगह मुझे मेरे हर जगह हाथ में सब यहाँ वहाँ सब जगह कलर ही कलर है। बाद में मुझे याद आया कि ये सब कलर जो है वो निकालने के लिए चाहे उसका ब्रश क्लीन करना हो या तो उसके लिए रॉकल चाहिए। रॉकल कहाँ से लाए, क्योंकि वो तो अभी नहीं है, वो तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, तो किससे निकालो, कोई रिमूवर भी नहीं है मेरे पास कि क्लीन करो। फिर भी देखती हूँ, दिमाग लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी करके ये हो गया, ये सूख जाए तो मालूम पड़े कि ये कैसा है हुआ है। कलर अच्छा कलर था, दीवार आप देख सकते हैं जो मैंने किया है, ये देखिए, क्योंकि पहले बहुत वाइट वाइट था, बहुत ज़्यादा ही टूट गया था, तो अभी मैंने ये कर दिया है, सूखा नहीं है ये, तो यहाँ पे बहुत चमक रहा है क्योंकि बाहर का रोशनी आ रहा है। ये दीवार पे आपको दिखेगा बराबर से जो मैंने किया है ये है, और यहाँ का तो आपने देखा ही, सब आपने देखा। और ये चौखट का है, ये देखिए चौखट जो है वो लकड़ी का है, वो भी करना था तो, लेकिन बहुत दिन से चल रहा था बट फाइनली हो गया। लेकिन ये सब जो भी पेंट नीचे फर्श पे गिरा है, हाथ में लगा है, या ब्रश भी धो के रखना पड़ेगा, नहीं तो वो कड़क होके फिर यूज़ में नहीं आता है ये ब्रश, तो वो सब साफ करने के लिए रॉकेल चाहिए। अभी क्या आइडिया लगाऊँ, क्या करूँ, देखना पड़ेगा। सर्च करते करते मुझे नेल रिमूवर मिल गया, और मैंने नेल रिमूवर से फर्श, आप देख सकते हैं फर्श क्लीन हो गया, जो यहाँ पे सब था वो सब क्लीन हो गया। थोड़ा सा जगह जगह जो थोड़ा है हाथ वगैरह, तो चलिए फ्रेंड्स रिमूवर काम आ गया, रिमूवर से जो फटाफट रिमूव।
एक्सपीरियंस हो गया, फाइनली सक्सेसफुली हमारा हो गया कलर करके और सब क्लीन करके। अभी थोड़ा थोड़ा जो डस्ट है, जैसे हमने कलर किया है, निकाला है पपड़ी वगैरह, तो बस वो झाड़ू पे फटाक से लगा लेती हूँ फ्रेंड। और बस ये हमारा कलाकारी कैसा लगा आप सबको, हमारा काम कैसा लगा आप सबको, पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करिए, और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिए। फ्रेंड्स बहुत उम्मीदें हैं आप सभी से कि जैसे आज तक आप सब प्यार और सम्मान ऐसे ही सपोर्ट करते आए हैं, आगे भी आप सब ज़रूर देंगे, और पूरा पूरा उम्मीद है कि आप सब आगे ज़रूर सपोर्ट करेंगे ऐसे ही। तो फ्रेंड्स आप सब सपोर्ट अपना बनाए ही रखिए, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फ्रेंड्स कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।